अस्सलाम वालेकुम हैदर बेटा, क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्लाह पाक के फजल से, करम से, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मेरी बेटी की शादी हो गई है। ये बीच में नासिर खान साहब आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी बहन की, तो नासिर खान साहब से अर्ज़ है कि मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मेरी बेटी की शादी थी जिसके लिए मैं बहुत मजबूर था। आज अभी मैं खाकसार की वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें वो कोर कमेटी के लोगों के बारे में भी बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये नहीं कर सकते तो हम अपने सैफ रहमान खान न्याजी से या उनकी फैमिली से बात करते हैं कि कोई रास्ता तलाश करें। बात यह है कि मैं खाकसार मुझे बाबा जी कहता था, खाकसार मुझे बाबा जी कहता था। मैं उसके साथ बड़ी देर मस्तक रहा और उसने ये कहा था कि मैं आपका मसला सैफ रहमान के पास ले जाऊंगा और इंशाल्लाह बहन की रुखसती तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहरहाल वो सिलसिला ही कट ऑफ हो गया, उसने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो अभी वो कोर्ट के ऊपर ये बयान दे रहा है कि अगर कोर कमेटी अपना लाया अमल सही नहीं बता सकती लोगों को, वही वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दो। आप एक बंदे का, यानी मेरा टोटल 3 लाख रुपया था लगा हुआ, एक बंदे को तो आप अकोमोडेट नहीं कर सके। आधा भी मैंने कहा था कि आधा मुझे दे दे ताकि मैं लोगों से ना मांगूं। बहरहाल करते करते बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है इधर, अब तो मसला बन गया मेरे लिए। और कि बेटी की रुख से तो होगी लेकिन अब आने वाले वक्त के लिए मैं परेशान हूँ और कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। वो खाकसार को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा रहा अपने आप में रहो। तुम एक बंदे को तो 4 महीने में इतने लारे लगा के कुछ भी नहीं कर सके, तो और इतने 6 लाख लोगों का क्या करोगे? मास्वाय कैश वर्थ में उनको ज्वाइन कराओ। बस अजीब लोग हैं, ये नेटवर्किंग भी बड़ी अजीब चीज़ है, इसका चस्का भी बुरा है। बहरहाल ये कुछ भी नहीं करते। सच्ची बात ये है कि मुझे BFRU SRG के जितने भी साथी थे उनमें से कुछ लोगों को मैंने टच किया था तो उन्होंने पहले सहारा दिया जिनमें खाकसार भी था, और बाकी फिर वक्त ख़त्म होता जा रहा था। लामाला मुझे अपने जो इलाके के लोग थे उनके आगे दस्ते दराज करना पड़ा और अल्लाह पाक की मेहरबानी से उन्होंने मेरी मदद करके बेटी की रुखसती करा दी। अब रह गया कि जो लोन मैंने लिया है, कर्जा लिया है, उस कर्जे की वापसी भी है। तो खासकर को मेरी हिदायत है, खुदा रहा हाफिज़ कुरान हो, क्यों बीच में गलत बातें करते हो? कोर कमेटी जो भी करती है उसको करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? वो जो काम कर रहे हैं करेंगे। आपने तो एक बंदे की मदद नहीं कर सके तो बाकी इतने लोगों की क्या मदद करोगे यार? छोड़ो इस बात को, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बस अच्छा इधर बेटा, बीच में आपसे बात करते करते बीच में और भी आ गई बात, तो वो मैंने कर दी। तुम्हें पता कि जब आदमी बूढ़ा होता है ना तो उसकी अकल भी चरने चली जाती है, मेरी भी अकल चरने चली गई है, क्या करूं? सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतों का साया रखे। दुआ गो याकूब।